रुको। अरे क्या हुआ बहू, आप ठीक तो हो ना? लेकिन आप गिर कैसे गई? दादी साहब, सीढ़ियों से पैर फिसल गया। हे भगवान, आपको तो काफी काफी चोट लगी है। नहीं लगती, अगर अमृता हमारा हाथ पकड़ लेती, लेकिन अमृता ने ऐसा किया ही नहीं। नहीं मासा, हमने हमने पूरी कोशिश की थी। झूठ बोल रही हैं आप। जब हमने अपना हाथ आपको दिया तो आपने अपना हाथ पीछे क्यों हटा लिया? भाभी साहब ऐसा क्यों करेंगे? आपसे हमारी क्या दुश्मनी है? तो अमृता, आपने अपना हाथ पीछे क्यों हटाया? नहीं हम बहू, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। अमृता आखिर ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि अमृता को हमसे और हमारे बच्चों से नफरत है। ऐसा नहीं कहते बेटा, अमृता बहुत प्यारी बच्ची है। वो आपके बच्चों को बहुत प्यार करती है और आपको बहुत सम्मान देती है। मासा, हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमें हमारे बेडरूम तक छोड़ाइए। जी। हम अभी डॉक्टर को फोन करते हैं। स्नेहा की बातों का बुरा मत मानना बेटा, उसका गुस्सा थोड़ा तेज है बस। आज तो हमारे झूठ को दादी सा का सहारा मिल गया, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा। हे साईनाथ, कुछ चमत्कार कीजिए, हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलवाइए। स्नेहा, हमें पता चला आप गिर गई, आप ठीक तो है ना? हम कभी ठीक नहीं हो सकते जब तक वो अमृता इस घर में है, और घर के लोग भी उन्हीं का साथ देते हैं। सभी ठीक कहते हैं स्नेहा, अगर अमृता आपको बचा सकती थी तो क्यों नहीं बचाती? यही तो कमाल है, वो अपनी भोली भाली सूरत बना के सबके सामने आती और सब उन्हीं का यकीन करते हैं। स्नेहा, जितना आप अमृता को बुरा समझती हैं, वो उतनी बुरी नहीं है। आप जानते नहीं हैं, वो बड़ी मिस्टीरियस है। हमने देखा वो किसी से बातें कर रही थी, लेकिन कोई सामने था ही नहीं। ओह, शायद अपनी अंतरात्मा से बात कर रही होगी। वैसे भी वो दूसरों को नजर नहीं आती ना। तो आपको लग रहा है हम मजाक कर रहे हैं? स्नेहा, ये मजाक नहीं तो और क्या है? वैसे भी जब से आप इंडिया आई हैं ना, अभी सास बहू के सीरियल्स बहुत देख रही हैं। इन्हें बंद कीजिए। इतनी देर हो गई, अर्जुन अब तक क्यों नहीं आए? कम से कम वो एक बार फोन तो कर सकते थे। कहाँ रह गए अर्जुन? हम ही उन्हें फोन कर लेते। अर्जुन, कहाँ रह गए थे आप? हम कब से आपको फोन कर रहे थे, काफी देर हो गई। साइट पे। क्या बात है, बहुत थके हुए लग रहे हैं आप। साइट पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, सब सॉल्व करते करते बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इसलिए थक गए। ठीक है, आप बैठिए, हम आपके लिए खाना लगाते हैं। नहीं, हम साइट से खाना खाकर आए। सॉरी अमृता, देखिए ना, आप इतने दिनों बाद घर लौटी हैं और हमें कि दो मिनट निकाल कर आपसे दो प्यार की बातें भी नहीं कर सकते। ठीक है मिस्टर हस्बैंड, इतने समझदार तो हम हैं कि अपने पति के प्रॉब्लम्स को हम समझ सके। थैंक्स, हम फ्रेश होकर आते हैं। जी। अर्जुन ने बाहर खाना खा लिया है, लेकिन कभी ना कभी वो हमें छू ही लेंगे। आज एक बार फिर आपकी कृपा ने हमें बचा लिया है साईनाथ,
और ऐसा कब तक चलेगा? भैरवनाथ, हमें सुरक्षा कवच का तोड़ ढूंढना ही होगा, वरना सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हर शक्ति का कोई ना कोई तोड़ होता है, सुरक्षा कवच का भी होगा। एक रास्ता है जिसकी मदद से अमृता की पहचान उसके घर वालों से छुपाई जा सकती है। कौन सा तरीका है? वो भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बार फिर अमृता की मदद करने के लिए जाना होगा। नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे हम उसे बचाने। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमें अमृता की सुरक्षा के लिए ही बुलाया गया है। क्यों जाएं हम हमेशा उसे बचाने? वो खुद भी तो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा कर सकती है। रुको मोहिनी, तुम्हें अमृता को बचाने जाना ही है। क्यों? हम क्यों जाएं उसे हमेशा बचाने के लिए? ऐसी क्या खास बात है उस अमृता में? खास बात है वो नागराज की बेटी है, मणि किसलिए हकदार। कभी न कभी मणि उसे जरूर मिलेगी, इसलिए अमृता को बचाना जरूरी है। जाओ अमृता की मदद करो। जलन, औरत की जलन। ये लीजिए पंडित जी, सारी सामग्री आ गई है ना? एकदम आ गई सर। हम ठीक कर देते। नहीं करे, ये देखो, हम ठीक कर लेते हैं। हमने ठीक कर लिया। आप ठीक है भाभी साहब, आप तैयार हो जाइए, हम अभी आते हैं। आज तक तो ठीक है, इस पूजा में हम अपने आप को कैसे बचाएंगे? अर्जुन हमारे साथ होंगे, किसी बड़े ने आशीर्वाद देने के लिए हमारे सर पे हाथ रख दिया तो हे साईनाथ, हम क्या करें? हमारी मदद कीजिए साईनाथ, मदद कीजिए। अमृता, अमृता जल्दी कीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन, हम अभी बस तैयार होके आ रहे हैं। सब लोग आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, हम आपको लेना है, जल्दी कीजिए। बस अभी आया अर्जुन। अरे ये क्या बहू, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हम उस पूजा में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाना है आपको पूजा में? आप घर की बड़ी बहू हैं। चलिए तैयार हो जाइए। हम अमृता की पूजा में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमें चोट लगी, जो हमारे बच्चों को प्यार नहीं। बहू, ऐसा नहीं कहते बहू। आपके मन में अमृता के लिए जो गलत भावनाएं हैं,
उसे निकाल दीजिए। आपका इस पूजा में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि शगुन की गांठ जेठानी ही खोलती है। बहू, इस परिवार की कुछ मर्यादाएं हैं, दिल से ना सही तो दिखावे के लिए आ जाओ। हम नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं बहू। हमेशा हमारे साथ इस तरह की जबरदस्ती नहीं होगी। अरे अर्जुन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी हम अमृता का इंतजार कर रहे हैं, वो तैयार हो रही है ना। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से अमृता को लेकर नीचे आ जाइए, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ये गठबंधन का जोड़ा मासा को देकर आते हैं। अर्जुन आप यहाँ है, जल्दी कीजिए, पूजा का वक्त हो गया है। बहू कहाँ है? जी लीजिए आ गई। बहुत सुंदर लग रही, किसी की नजर ना लगे। हमने जितना सोचा था आप उससे ज्यादा शातिर निकले। ये सुरक्षा कवच आपने तैयार कर लिया है। जी तेरा। अगर हमने प्रणाम किया तो ये हमारे सर पर हाथ रख देंगे। अमृता हम आपसे कुछ कह रहे हैं। आपने क्या क्या करा भाई साहब, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आइए चलिए। हाँ रुद्र, हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। बैठिए आप लोग भी, बैठिए। स्नेहा ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थान गदोपि वा यसमरेद पुंडरीकाख्यम सवाह्याभ्यंतर शुचि। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितजंबु फलचार भक्षिणम उमासितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दुर्दाय। शगुन की गांठ खोली। शगुन की गांठ तो खुल गई है, पर आप लोग जीवन भर के लिए मर्यादा और परंपरा के गठबंधन को निभाएंगे। अब पति और पत्नी एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ दीजिए।
पवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थान गोपि समृद्ध पुंडलिकाख्यम सभा या अभ्यंतर सोचे। अब दूसरा हाथ हाथ के ऊपर रखिए। जितनी औरतें हमारे कमरे में चाहिए। बेटा, ये औरतें घबरा गई हैं। देख तो, उन्हें मेरे कमरे में छोड़। शंकर, मधु, देखो वो सांप कहाँ है? यहाँ से आई। रुक जाओ नागिन। जाओ नागिन। तुम्हारी कोई पूजा, कोई सुरक्षा कवच हमें नहीं रोक सकता। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसका परिणाम भुगतना ही होगा। तुझे यहां तेरी मौत खींच लाई। आज तू यहां से बच के नहीं जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। आज तेरा कोई भी छलावा मुझे धोखा नहीं दे सकता। ना के